है अगर अकेली लड़की कोई इस जंगल झाड़ वाली रास्ते से, ये इनके घर का रास्ता डेली का रास्ता है। ठीक है सर, ये मैंने इसको निकाल दिया, देखिए सर के चैनल के माध्यम से मैं आप सबको ये बताने आई हूँ आज कि मेरी एक कहानी, मेरी ही खुद की कहानी है, ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं घटना हुई है, ये हर लड़की के साथ घटना इस टाइप की हो सकती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये जो मेरे साथ हो वो किसी और के साथ हो। जैसे कि आज आप देख रहे हैं सर, ये जो रोड गया हुआ है ये मेरे घर का रोड है, ये घर का रास्ता है। इस तरह से मैं जा रही थी और अचानक मेरी जो गाड़ी है, इस गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। रात थी सर और मैं जा नहीं पा रही थी और गाड़ी धकेलते हुए मैं लेके गई हूँ अपने घर तक। तो इस तरीके से जैसे हुआ मेरे साथ, उसके बाद मैंने ये सोच लिया कि इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। तो मैंने कंपनी से कॉन्टेक्ट किया और जो टायर सोल्यूशन है उसको अपने टायर के अंदर डलवाया। उसके बाद से ये प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं हुई। ये सिर्फ फरसा की कहानी नहीं है, ऐसी कहानी कई सारी लड़कियों के साथ ये घटनाएं घटित होती होगी देश में अपने। कई सारी घटनाओं को आपने सुना भी होगा न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कि जब अकेली लड़की पंचर गाड़ी को लेके जा रही है तो उसके साथ गलत वो घटनाएं घट जाती है, और या गुंडे बम वाले पीछे पड़ जाते हैं रात के समय अकेली लड़की जा रही है। तो लड़कियों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है आप सभी इससे अनजान नहीं है। अगर अकेली लड़की कोई इस जंगल झाड़ वाली रास्ते से, ये इनके घर का रास्ता डेली का रास्ता है, इधर से हमेशा इधर से ही जाती हैं ये ऑफिस से जाते हुए। लड़कों के साथ भी ऐसा होता होगा जब उनके गाड़ियों के टायर पंचर हो जाएं और फिर धक्का दे के ले के जाना पड़ता होगा। टू व्हीलर के साथ तो ये आम बात है, फोर व्हीलर के साथ अगर हो जाए, एक चक्का हो जाए तो स्टेपनी चेंज कर सकते हैं, लेकिन दो चक्के एक साथ हो जाए तो भाई कितना प्रॉब्लम आ सकता है आप समझ सकते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने वाले अमित सर हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। नमस्कार सर, हम आपसे जानना चाहेंगे इसका सोल्यूशन कैसे आपने निकाला। सर आप जैसे देख ही रहे हैं कि हर्षा की ये एक अकेली की लड़की की इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रकार के कई ऐसे लोग थे जिनकी इस प्रकार की प्रॉब्लम थी। सुनने में हम सभी को ऐसा लगता है कि टायर पंचर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब ये समस्या किसी के साथ में जब घटित होती है उस टाइम पर ये चीज़ों को ऐसा लगता है कि इससे बड़ी कोई दूसरी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक लेडीज के लिए गाड़ी पंचर हो जाना, उसके बाद में जैसे आप देख ही रहे हैं कि इस प्रकार का जो क्राउड होता है, एक लोकेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई लड़की की गाड़ी अगर पंचर हो जाती है तो वो उस टाइम पर क्या फील करेगी, उसके मन में कितना भय रहेगा। और आए दिन इस प्रकार के केसेस हम सुनते रहते हैं कि किसी लड़की के साथ में क्या हो गया, कुछ क्या हो गया। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला है ये, कि जो इस प्रॉब्लम को निजात दे। सर सुनने में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं लगती है, लेकिन जब ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब हम इसके अंदर टायर सिलेंट जब डालते हैं और टायर सिलेंट जब डल जाता है, उसके बाद में जब टायर में जब कील लगती है, कांटा लगता है, उस कंडीशन में जब टायर और पंचर होने की जो संभावना होती है बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। इट मीन्स कि अगर आपने कोई गाड़ी के टायर में अगर पंचर के लिए सोल्यूशन डाला हुआ है, आप वहां से निश्चिंत हो जाएं कि आपकी गाड़ी का टायर कभी भी पंचर होगा। कैसे होता है उसको थोड़ा सा दिखाएंगे क्या प्रोडक्ट कौन सा? सर इसके अंदर किसी प्रकार की कोई जादूगरी नहीं, कोई मिराकल नहीं है। एक्चुअली एक सिलेंट होता है, सिलेंट के अंदर एक फाइबर पार्टिकल्स और लिक्विड होता है, प्लस इसके अंदर रबर पार्टिकल्स होते हैं। जब गाड़ी के टायर के अंदर कील लगती है उस कंडीशन में जब हवा जिस दिशा में फ्लो होती है, जो छेद से फ्लो होता है, उस वहां पर क्या होता है कि जो रबर पार्टिकल और फाइबर पार्टिकल जो होते हैं वो उस जगह पर अपनी जगह बना लेते हैं, और जो लिक्विड जो सिलेंट होता है वो अपनी एक लेयर चढ़ा देता है। तो जिस कंडीशन में वो उसके बाद में जो लेयर बनने के बाद में जो हवा का फ्लो होता है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। जैसे मैं अभी आपको लाइव यहाँ पर करके दिखाऊंगा, जैसे आपने देखा कि गाड़ी के टायर में हवा अभी भरपूर है, ठीक है, इसमें मैं आपके किसी भी प्रकार का कोई एडिटिंग नहीं होगा जब मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर मैं आपको कील ये कील देख लीजिए आप, ये मैं पूरी कील इस टायर के अंदर डालूंगा और जो नॉर्मली कंडीशन बनती है, जो पंचर की संभावनाएं बनती हैं, वही मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा। ये कील का साइज आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज है। हाँ, मैं पूरी कील इसके अंदर डाल दूंगा। ये देखिए सर, ये मैंने पूरी कील इसके अंदर घुसा दिया है। अब होता है क्या, जब कील घुस जाता है तो जो अंदर का जो इसका रबर पार्ट होता है वो टूट करके अंदर चला जाता है, और इसके बाद में जो हमारा सिलेंट होता है, सिलेंट रबर पार्टिकल फाइबर पार्टिकल जो लिक्विड होता है वो अब यहाँ पर रिएक्शन करेगा हमारे टायर पे।
निकालने के पहले मैं थोड़ा सा मार्क कर दूं ताकि आपके व्यूअर्स प्रॉपरली देख सके कि हमने जो कील घुसाई थी वो कहाँ पे घुसाई थी। ठीक है सर, ये मैंने इसको निकाल दिया, देखिए आवाज आ रही है सर, यहाँ पे बुलबुला देख सकते हैं और हवा की आवाज भी सुन सकते हैं आप। ठीक है, नॉर्मली मैं अब इस टायर को एक बार रोटेट कर देता हूँ। अब इसके अंदर रिएक्शन क्या होता है, जब ये चलती गाड़ी में जब टायर पंचर होता है, गाड़ी खड़े खड़े तो पंचर नहीं होगी, ये तो हम सिर्फ एक तरीके से डेमो दिखा रहे हैं। गाड़ी जब चल रही होती है, चलती गाड़ी में इसके अंदर कील लगती है, कील लगने के बाद में ऑटोमेटिक निकल जाती है, तो इसके अंदर का जो सिलेंट है वो उस छेद के अंदर जहां से हवा निकलती है उसी दिशा में सारी चीजें ब्लो होती है, तो यहाँ पर वो सारी चीजें जम गई और उसके बाद में जो सिलेंट है, सिलेंट ने अपनी एक लेयर बना दी और हवा का जो अभी आवाज आ रहा था वो पूरी तरीके से बंद हो गया। ऐसा तो नहीं कि फिर से इस पे अगर गाड़ी चलाएं। मार्किंग था आपका, हाँ। मैं अब यहाँ पर आपको दिखा दीजिए सर, आपका कैमरा यहाँ पर लेकर के आइए, ये पेन का एक मार्किंग है, यही मैंने इसको छेद किया था, ये देखिए पूरी तरीके से। ऐसा तो नहीं कि भाई अभी प्रेशर नहीं है गाड़ी पे तो फिर सर आप गाड़ी के मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन आप खुद इस गाड़ी को चला करके देखिए और अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं से भी इसके अंदर सिलेंट डला हुआ है, आप एक राउंड लगा के देखिए सर, अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि हाँ हवा निकल रही है, कहीं लीक हो रहा है, अभी हम चला के खुद ड्राइव करके देखेंगे एक बार, थोड़ा सा इस पर दिखाएं, नॉर्मली इस टायर पे दिखाएं कि अभी इससे पूरी तरीके से जो हवा का जो प्रेशर जो बाहर निकल रहा था बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। सर आप राउंड लगाइए सर, मैं यहाँ पे खुद चला के देखूंगा कि भाई इसमें जो कील लगाया गया था वहाँ से हवा निकल रहा है कि नहीं। चाहे पथरीली जगह में आप गाड़ी चलाएं, चाहे रोड पे चलाएं, कहीं भी चलाएं, हवा कहीं से कहीं तक नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डला हुआ है वो है सुरक्षा का टायर सिलेंट एंड कूलेंट। आप एक बार जमीन दिखाइए, ये पथरीली जमीन है, अगर इसमें बराबर भी नहीं है। मैं कहता हूं, अगर आपको ऐसा लगता हो तो आप बिहार में पूरी जगह से आप ये बड़े बड़े पत्थरों पे चलाइए। अच्छा, इसमें बैठा के एक लोग और बैठा के देखें, एक बार आ जाओ आप, बैठाइए सर, हो सकता है कि प्रेशर बढ़े तो फिर इसमें लोगों को लगे भाई प्रेशर नहीं है सर, तो हवा। आप जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं आपको पूरी छूट है सर। क्योंकि अगर प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो ग्राउंड में आके ऐसा टेस्ट करके देखना होगा, तब आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी भाई प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट सही है कि नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दो लोग हम लोग बैठे हुए हैं और खुद हर्षा जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी वो हैं हमारे साथ, और आज इनकी गाड़ी पंचर नहीं होती है जब से इन्होंने कूलेंट लगाया था। जी सर, बताएं बिल्कुल। आप एक बार थोड़ा सा प्रेशर दिखाएं, हवा का प्रेशर दिखाएं ना, गाड़ी में हवा कम हुई है कि नहीं हुई है, और बिल्कुल देख सकते हैं जी पंचर ठीक हो गई। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, ये कैसे इसे फील किया जाता है? वो जो इस टायर के अंदर गया था ये हमारा है सुरक्षा का टायर सिलेंट एंड कूलेंट। कूलेंट के बारे में आपको थोड़ा सा मैं इसके अंदर थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा। कूलेंट इसको इसलिए कहा गया है, जब टायर के अंदर ही जितनी बार रोटेट होता ना तो आपके टायर में उतनी ज्यादा ही इसमें ठंडक रहती है। इट मीन्स कि अगर गर्मी के टाइम पे आपने सुना ही होगा नाइट्रोजन लोग गैस भरवाते हैं टायरों के अंदर ताकि वो टायर ठंडा रह सके, क्योंकि जब टायर अपने रोड के सरफेस से जब कनेक्ट करता है उस कंडीशन में रोड भी गर्म हो जाती है और टायर भी, और ब्लैकनेस दोनों में नाइट्रोजन फील करा, बिल्कुल इसीलिए नाइट्रोजन फील करा ताकि टायर में ठंडक रहे। तो ये जो जितनी बार रोटेट होता है उतना ठंडक देता है, मतलब आपके टायर को पूरी तरीके से ठंडा रखता है, उसका जो रिड्यूसिंग कॉस्ट है वो भी कम करता है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा ये आपके टायर में डल जाने के बाद में आपकी जो टायर की लाइफ होती है ना उसमें भी 50% का इजाफा करता है सर ये। अच्छा, ये कैसे फील किया जाता है? सर इसके फील करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ये जो नॉर्मली आप व्हाइट केप देख रहे हैं, व्हाइट केप को यहाँ से रिमूव करेंगे, रिमूव करने के पहले मैं बताना चाहूंगा जो सिलेंट होता है इसके अंदर जो होता है जेल बेस होता है ये, और अंदर मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था इसके अंदर के फाइबर पार्टिकल और इसके अंदर रबर पार्टिकल होते हैं। आप 2-3 मिनट इसको अच्छे से प्रॉपरली शेक करें, थोड़ा सा इसको उल्टा रखें ताकि क्या होता है कि प्रॉपरली मेशअप हो सके। जब ये टोटल मेशअप हो जाएगा उसके बाद में ऊपर की जो ये कैप है, ये व्हाइट कैप को आप जैसे ही यहाँ से रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर एक और कैप लगा हुआ है। ठीक है, ये एक और कैप लगा हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे कि इस प्रकार की बॉटल, ये देख लीजिए, वो जो अंदर की जो कैप है उस कैप को भी प्रॉपरली निकाल लेंगे, और ये जो हमारे जो रेड कलर की कैप है ये कैप इसके अंदर साथ में आती है, ये इसके बाद में ये जो ट्यूब है गोल्डन डी नट बोलते हैं इसको निकालना होता है, और निकालने के बाद में आपने जब शेक कर दिया उसके बाद में इसको आप ऐसे डालेंगे, इसको रखेंगे, ये आपका जो
ट्यूब होती है, फिल कर देंगे, हो जाती है, और यहाँ से आप प्रेशर देने के बाद में पहले तो हम निकालेंगे तो हवा पूरी बाहर निकल जाएगी, उसके बाद में जो सिलेंडर प्रॉपरली इसके अंदर चला जाता है, मतलब आसानी से कोई भी फिल कर सकता है, बिल्कुल आसानी से चला जाता है। अच्छा, एक बोतल में कितना, इस टायर में कितना डालना है? इस टायर के लिए सर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो 350 से 400 ml आपको स्कूटी के टायर में, 1 लीटर है, 1 लीटर यानी 2 से 3 टायर में बिल्कुल इजीली आप इसके अंदर आप डाल सकते हैं सर। अच्छा, इसका प्राइस क्या होगा सर? इसके लिए कंपनी ने, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो चलिए ठीक है कि हमने एक प्रकार का सॉल्यूशन निकाला है, सॉल्यूशन सिर्फ हमारे जो रोजमर्रा में होने वाली जो दिक्कत है उसके लिए नहीं है, सॉल्यूशन एक इस चीज के लिए भी है कि आज आपके जो व्यूअर्स, बहुत सारे व्यूअर्स आपको देख रहे होंगे, कई कोरोना के कारण में जॉबलेस हो गए हैं, किसी का बिजनेस ठप पड़ गया है, कहीं किसी के लिए कुछ हो गया है, और कई बार ऐसे न्यू कमर्स होते हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि मुझे करना क्या है, सोच जरूर लेते हैं कि मुझे बिजनेस करना है लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि मुझे बिजनेस किस चीज का करना है। आज कंपनी यहां पर एक तरीके से न्यू कमर्स के लिए बिजनेस भी लेकर के आई है, इसीलिए कंपनी ने इसके लिए ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस प्लान लॉन्चेस किए हैं, जो भी आपके व्यूवर्स अगर कंपनी के साथ में जुड़ते हैं और अगर अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे साथ में जुड़ करके हमारी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट, डीलर पॉइंट हो या फिर अपने खुद के लेबल का मटेरियल बनवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ करके। कैसे बोले, कितना खर्च करना पड़ेगा, कैसे लोग आपकी कंपनी से जुड़ सकते हैं? मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि नॉर्मली मैं न्यू कमर्स की बात करूं तो जो इनिशियल लेवल पे अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो इनिशियल लेवल पे हमारे पास में 9,200 रुपए का डीलर प्लान है, जिसे आप कह सकते हैं स्टार्टअप प्लान, जो टेस्ट करके देखना चाहते हैं, जो फिर करना चाहते हैं, तो वो 9,200 रुपए का डीलर प्लान ले करके अपना खुद का बिजनेस इस तरीके से स्टेबल कर लें, और उसके बाद में फिर जो कंपनी का जो सबसे ज्यादा सेल होने वाला जो हमारा प्लान है वो है डिस्ट्रीब्यूटर प्लान। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर मतलब आप अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट का कंपनी का एक ही मोटो है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा और वो डिस्ट्रिक्ट ही पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा, कंपनी वहां पर एक बार डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट होने के बाद में किसी भी प्रकार का कोई माल सेल नहीं करेगी, जो भी माल सेल होगा वो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के मद्देनजर ही होगा। तो क्या खर्च आएंगे किसी को अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर प्लान अगर लेना चाहते हैं तो हमारा 57,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूटर प्लान है, जिसमें किसी भी प्रकार का आपको एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज नहीं देना होता है। 57,000 में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा और साथ में आपका एग्रीमेंट किया जाता है कि आप वहां के या उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और बताना चाहूंगा मैं, आपको कंपनी बैकहेंड सपोर्ट देती है। बैकहेंड सपोर्ट कैसे देते हैं कि क्या होता है सर, जब स्टार्टअप करता है कोई बिजनेस तो उसे पता नहीं होता कि मुझे अब कैसे करना होगा, उसके लिए पुशअप के लिए कंपनी यहां पर बैकहेंड सपोर्ट ही देती है कि उस डिस्ट्रिक्ट से जो भी कॉल आती है वो उस डिस्ट्रीब्यूटर को फॉरवर्ड कर दी जाती है, ताकि एक तरीके से उनका माल सेल हो सके। जी, जैसे कि 9,200 रुपए का हमारा जो डीलर प्लान है, इसमें सर मैं बता दूं जो आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है 100% मतलब 2 गुना से ज्यादा का इसके अंदर, मतलब 9,000 आपके साथ जो इन्वेस्ट करेगा कितना कमा सकता है? 9,200 का जो डीलर प्लान लेगा स्टार्टअप लेवल के लिए वो यहाँ से 18,000 रुपए की इनकम जनरेट कर सकता है, शुद्ध मुनाफा करने के ऊपर है। सर देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें इस प्रकार के प्रोडक्ट मार्केट में है या ऑनलाइन आप देखेंगे, यहाँ पर इसकी जो MRP है वो 1,499 रुपए है, और हमारे कई ऐसे मतलब पैन इंडिया लेवल पर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो इसकी MRP पर भी सेल कर रहे हैं। इट मींस कि अगर आप इसे लेते हैं तो 2 गुना पैसा भी कमा सकते हैं। बस समस्या ये होती है कि इंसान करना नहीं चाहता, और जो इंसान करना चाहता है उसने करके दिखाया भी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ऐसा प्रोडक्ट है जिसे दिखाना मतलब किसी को बताने के लिए किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ी पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी आप भी रखते हैं, गाड़ी मैं भी रखता हूँ, और गाड़ी आपके सारे व्यूअर्स भी रखते हैं, तो ये जरूरत सभी की है। ऑल ओवर इंडिया में आप डिस्ट्रीब्यूटर से पैन इंडिया लेवल पर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर। और सर एक और चीज बता दूं, एक चीज मेरे से छूट रही है, मैं बताना चाहूंगा जो व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इट मींस कि अगर वो खुद के नाम की ब्रांडिंग, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका खुद का बिजनेस भी होगा और वो चाह रहे हैं कि हमसे जुड़ करके अपने खुद के नाम पर ये प्रोडक्ट अगर बनाना चाहते हैं, खुद के नाम की प्रमोशन करना चाहते हैं, खुद के नाम का लेबल बनाना चाहते हैं, तो कंपनी का व्हाइट लेबल का एक प्लान लॉन्च किया हुआ है जिसमें आप कंपनी के साथ जुड़ करके अपने खुद के नाम की ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। मतलब के आप देंगे और कंपनी दूसरे का होगा जी, मतलब सारा सपोर्ट आपका रहेगा, सारा सपोर्ट हमारा रहता है। मैं भाई साहब का नंबर आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिख रहा होगा। इस तरह की कुछ भी क्वेरी हो, इसके साथ जुड़ के आप बिजनेस करना चाहते हो, डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं, या इस तरह की कंपनी खुद की शुरू करना चाहते हैं, तो सीधे संपर्क कर सकते हैं, पूरी टीम आपको मदद करेगी। काफी अच्छा लगा अमित जी आपसे मिलकर, और काफी अच्छा लगा ये बिजनेस प्लान समझ के आपका।